गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि समारोह में शामिल होने गोरखनाथ मंदिर में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर पूर्व सांसद राम विलास वेदांती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 19 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा होने वाले फैसले में निश्चित ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा और आपसी सौहार्द और भाईचारे से अयोध्या में राम मंदिर और लखनऊ में मुस्लिम भाइयों के लिए भव्य मस्जिद का निर्माण होगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व सांसद राम विलास वेदांती ने कहा, सरकार की जो अभियान चलाया था कि हम विश्व में शांति की स्थापना करना चाहते हैं, वो समय अब आ गया। क्या लगता है मुसलमान ये प्रस्ताव मानेंगे आपका? मुसलमान इस प्रस्ताव को मान चुके हैं, उनको मानने में देरी नहीं। कुछ आतंकवादी ताकतें जो भारत के मुसलमानों को लड़ाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी आतंकवादियों के बल पर कपिल सिब्बल जैसे लोग, चिदंबरम जैसे लोग और जफर याब जिलानी जैसे लोगों को आतंकवादियों का सहयोग मिल रहा है। आतंकवादी लोग भारत के इन तथाकथित लोगों को पैसों की सप्लाई करते हैं। इसी की सप्लाई को नरेंद्र मोदी ने नोट बंद करके जो रोक दिया, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, ये सब घबराए हुए हैं। आपके पक्षकार भी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 80% देश का मुसलमान चाहता है। लखनऊ में कहां, लखनऊ में जहां मुसलमान कहेंगे, आपने सुना होगा सिया बब बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने समझौते पर सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त दिया है कि जहां पर रामलला विराजमान है वहां भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हो, और सिया बहुल क्षेत्र लखनऊ में या जहाँ कहीं भी मुसलमान चाहते हो, वहाँ भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जमीन अधिग्रहण करके उनके लिए देने को तैयार है। हम शांति चाहते हैं और विश्व को भारत की ओर से शांति का संदेश देने के लिए योगी आदित्यनाथ जैसे को मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया गया है कि हम शांति की स्थापना के साथ भारत और विश्व को एक शांति का संदेश दें कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में मिलकर हम भारत के वैभव को बढ़ाएंगे और भारत का विकास करेंगे। इसके आधार पर ऐसा ही खारिज कर दिया गया मुस्लिम रिजवी की आप बात कर रहे हैं, उनको तो इस्लाम से, देखिए ऐसा है, वसीम रिजवी को इस्लाम से खारिज करने का अधिकार इराक के किसी इमाम को नहीं है। यदि विश्व के किसी इमाम को अधिकार है तो ये केवल मक्का और मदीना के इमाम को अधिकार है, न कि इराक के किसी इमाम को या भारत के किसी इमाम को मुसलमान को निकालने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार विश्व में कुरान के अनुसार यदि किसी को मिला है तो मक्का का इमाम और मदीना का इमाम चाहेगा तभी हो सकता है। अब मक्का और मदीना का जो इमाम होगा, जब वो फतवा जारी करेगा तब ये हो सकता है। बाकी इराक का इमाम या भारत का इमाम या कलकत्ता का इमाम ये करे, उसकी बात विश्व का कोई मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल हो रही है राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए मैं चाहता हूँ कि हिंदू और मुसलमान दोनों की एकता बनी रहे। वेदांती जी, अब ये सिद्ध हो चुका था कि कपिल सिब्बल और चिदंबरम को आतंकी फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा क्यों दर्ज? देखिए मैं बताऊं, इस बात को हर व्यक्ति जानता है, फंडिंग आतंकवादियों की ओर से हो रही है और पाकिस्तानी आतंकवादी का सरगना जो दाऊद वहाँ बैठा हुआ है उसके द्वारा ये प्रेशर दिलाया जा रहा है, जानबूझकर प्रेशर दिलाया जा रहा है। उसी के प्रेशर पर कुछ लोग भारत में शांति नहीं चाहते, सांप्रदायिक सद्भावना नहीं चाहते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा प्रयास किया है, अभी सब आप लोगों की आंखों के सामने आ जाएगा 2019 चुनाव से पहले दाऊद को पकड़ कर भारत में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। 2019 के चुनाव से पहले स्विच बैंक में जमा भारत के नेताओं का पैसा कितना है ये सब भी आप लोगों की आंखों के सामने आ जाएगा। इसके लिए भी प्रयास चल रहा है, धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा कीजिए, सब सामने आपके।